इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की अदालत में उसरी चट्टी कांड को लेकर चल रहे मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के मुकदमे के ट्रायल पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने इस चर्चित मामले में आरोपी त्रिभुवन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने मामले के वादी मुख्तार अंसारी और राज्य सरकार से याचिका पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है, साथ ही तब तक के लिए मुकदमे के ट्रायल पर रोक लगा दी है। त्रिभुवन सिंह ने याचिका दाखिल कर मुकदमे का ट्रायल गाजीपुर के बजाय किसी दूसरे जिले में कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार बेहद प्रभावशाली है, उनके भाई गाजीपुर से सांसद हैं, उनका बेटा और भतीजा विधायक है, ऐसे में वहां मुकदमे का ट्रायल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि सियासी रसूख के कारण गवाहों व दूसरे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। गौरतलब है कि चर्चित उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी वादी हैं जबकि ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह आरोपी हैं। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था। हमले का आरोप ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर है। गाजीपुर में लगभग 22 साल पुराने उसरी चट्टी कांड में गवाही देने के लिए पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पिछले मंगलवार को भी MP MLA कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इस दौरान हुई सुनवाई में केस के अहम गवाह अफरोज उर्फ चुन्नू ने पूर्व MLC ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 23 जनवरी को फिर तलब किया था। विशेष जज ने मुख्तार अंसारी की गवाही को महत्वपूर्ण बताते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में MP MLA कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इस सिलसिले में कोर्ट ने प्रदेश के अपर महासचिव, मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी, DM व SP को पत्र भेजा था। मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी सहयोगियों के साथ 15 जुलाई 2001 को दोपहर 12:30 बजे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा रहे थे। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के उसरी चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने मुख्तार और उनकी टीम पर स्वचालित हथियारों से हमला कर दिया था। मुख्तार को बचाने में उनके सरकारी गनर रामचंद्र उर्फ प्रदीप की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि मुख्तार के साथी रुस्तम उर्फ बाबू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मुख्तार अंसारी पर हमला करने वाला एक हमलावर भी मारा गया था जबकि कई घायल हो गए थे। इस मामले में ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन समेत कई को आरोपी बनाया गया था। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा की मांग की है। मुख्तार को स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने का हवाला देते हुए बताया कि वह BP, हृदय रोग समेत कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। वकील ने कहा कि मुख्तार को जेल के अंदर और जेल से बाहर लाने और ले जाने में जान का खतरा है। प्रशासन और जज से पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। उसरी चट्टी कांड के वादी और मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी की फिजिकली पेशी लगातार नहीं हो पा रही है। केस की अब तक कार्रवाई के बीच MP MLA कोर्ट ने 6 बार मुख्तार अंसारी को तलब किया लेकिन हर बार पेशी टल गई। लगातार 3 तारीखों से कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए फिजिकली पेशी की बात कही और शासन को पत्र भी भेजा। कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मुख्तार को गाजीपुर नहीं लाया जा सका है। इससे पहले वादी मुख्तार अंसारी को जज ने 20 दिसंबर को ही फिजिकली तलब किया था। तब बताया गया कि ED प्रयागराज यूनिट मुख्तार को ट्रांजिट रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके बाद 3 जनवरी, 10 जनवरी, 17 जनवरी को भी मुख्तार गाजीपुर नहीं आ सके थे।